सब्सक्राइब कीजिए हिंदी नेट ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल हिंदी नेट ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से WhatsApp ID क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स को पता होगा कि WhatsApp ID कैसे बनाते हैं, लेकिन ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए हैं जिन्हें WhatsApp ID खुद से बनाने नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp ID कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में चेक करना है कि आपके पास WhatsApp एप्लीकेशन है या नहीं। ये इस प्रकार का WhatsApp एप्लीकेशन होता है। अगर ये नहीं है तो आप अपने Google के Play Store में जाइए। Play Store में जाने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिए WhatsApp और यहाँ पे ये आ जाएगा इस टाइप का WhatsApp मैसेंजर। इसे आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने इसे इंस्टॉल कर रखा है, चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस टाइप का कुछ ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे ये आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। लेकिन मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो मोबाइल नंबर वर्किंग कंडीशन में हो, यानी कि जो काम कर रहा हो। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है वी विल वेरीफाई द फ़ोन नंबर, तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद एक SMS आपके इस नंबर पर आएगा और उस में एक OTP होगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पे डालना होगा। 6 डिजिट का होता है। तो अगर आपको जिस मोबाइल में WhatsApp है उसी मोबाइल में अगर आप सिम लगाए हुए हैं तो ये अपने आप भी ले सकता है, या आप चाहे तो मैनुअली भी इसे इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज ओपन कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं WhatsApp से एक मैसेज आया हुआ है कि योर WhatsApp कोड इज 828193। तो ये जो है सो यहाँ मेरा ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया है। तो अब ये कह रहा है कि टाइप योर नेम, आपको अपना नाम डाल देना है। चलिए फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अभी हमें वेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा WhatsApp ऐप जो है सो ओपन हो गया है और ये हमारा WhatsApp ID भी क्रिएट हो गया है। तो स्टार्ट ए चैट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपके सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। आपके मोबाइल में जितने भी नंबर होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, आप किन्हीं से भी चाहे तो चैट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 3 कॉर्नर पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, सेटिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देख लीजिए ये आपका सारा का सारा डिटेल यहाँ पर आ गया है। ये देखिए नीचे मोबाइल नंबर आ गया है और ये सब भी आ गया है। अब हम आपको बताते हैं कि WhatsApp ID को डिलीट कैसे किया जाता है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, डिलीट माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर अपना वही नंबर डालेंगे जो नंबर आप डिलीट करना चाहते हैं और डिलीट पे क्लिक कर देंगे। आपको ये रीजन पूछेगा तो रीजन में कुछ भी आप डाल सकते हैं और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट माई अकाउंट। तो इस तरह से आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। फिर से आप चाहें तो फिर से आप यहाँ पर उसी नंबर से या दूसरे नंबर से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो और WhatsApp से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।